जी हाँ, जो मेरा डिवाइस है ये अभी बूट लूप में जा चुका है। जब भी मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जा रहा है। और वो कौन सा बग है जो आपको भी आगे जाके देखने को मिल सकता है, अगर आपने MIUI 12 का जो लेटेस्ट वाला अपडेट है, MIUI V12.0.1.0 का स्टेबल अपडेट है, उसे अगर आपने अपडेट किया है तो आपको हो सकता है कि आपको जो ये बग है ये आपके डिवाइस में भी देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं MIUI का जो लोगो है वो किस तरह से आ रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देखिए धीरे धीरे लोड हो रहा है तो इस तरह का प्रॉब्लम वगैरह आ रहा है। कैसे बैकअप लेना है उसका भी फॉर्मूला है मेरे पास, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फाइंड माई डिवाइस अनएक्सपेक्टेडली जो लिखा रहा है यही मेन बग है, और ये बग अभी आपको नेक्स्ट अपडेट में फिक्स होते हुए देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए हमारा डिवाइस जो बूट लूप में जा चुका है और किस तरह से ऑन हो रहा है, बार बार मैं इसे प्रेस करूँ तभी जाके शो हो रहा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसे ही कहते हैं बूट लूप। तो इसे आप कैसे बैकअप बना सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो डिवाइस है उसमें आपका बूट लोडर जो होता है उसे अनलॉक रहना जरूरी है, अदरवाइज आप बैकअप बना ही नहीं पाएंगे आप जितना भी कोशिश कीजिए। हाँ, आपका डिवाइस अगर रूट है तो अलग बात है, लेकिन अगर जब तक आपका डिवाइस में बूट लोडर अनलॉक नहीं रहेगा तो आप बैकअप नहीं बना सकते, और आपको अपना जो डिवाइस है उसे रीसेट करना पड़ेगा तभी जाके ये सही होगा। अदरवाइज आपको सर्विस सेंटर वगैरह भी जाना पड़ सकता है, और रीसेट मारने के बाद भी आपको जैसे कि Xiaomi का अकाउंट अगर लॉग इन करते तो उस केस में आपको जो फाइंड माई डिवाइस है टर्न ऑफ करके रखना होगा, नहीं तो आपको इस तरह का बग देखने को मिलेगा जैसे कि हमने आपको दिखाया हमारे डिवाइस में किस तरह सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको बैकअप बनाना है पीसी के थ्रू। ध्यान रहे आपका डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक रहना चाहिए तभी ये काम करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। पीसी में आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे एक जो फोल्डर प्लेटफॉर्म टूल इसे आपको डाउनलोड करना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको इसे ओपन करना है, और इसी फोल्डर के अंदर आपका डिवाइस का हिसाब से जो आपका रिकवरी होता है कस्टम रिकवरी उसे आपको पेस्ट करना है, यानी कि इस फोल्डर में रखना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो डिवाइस कोड आप देख सकते हैं जिंकिंगो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए जो प्लेटफॉर्म टूल बार है यहाँ पे आपको इस तरह से टैप करना है, उसके बाद आपको सिंपली लिख देना CMD और हिट इंटर। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका सामने कुछ इस तरह सा ऑप्शन खुल जाएगा। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ फास्टबूट डिवाइसेस FASTBOOT बूट स्पेस डिवाइसेस DEVICES, उसके बाद आपको हिट इंटर। जैसे आप इंटर किए अब देखिए आपका जो डिवाइस है, देखिए यहाँ पे फास्टबूट लिखा हुआ आ गया है, मतलब कि हमारा जो डिवाइस वो सक्सेसफुली कनेक्टेड है। तब यहाँ पे आप जो रिकवरी इंस्टॉलेशन प्रोसेस होता है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं आया तो इसका मतलब आपका डिवाइस में ड्राइवर जो है आप प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं किए। ड्राइवर का भी लिंक मैंने दे दिया है, आप सिंपली उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको लिखना है फास्टबूट फ्लैश रिकवरी। अब इसके बाद आपको करना क्या है, जो फोल्डर आपने ओपन किया था प्लेटफॉर्म टूल वहाँ पे जाना है, और यहाँ पे देखिए जो कस्टम रिकवरी है इसे आपको कुछ इस तरह से डार्क कर देना है और सीधा CMD में लाना है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे लाके आपको छोड़ देना है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे हिट इंटर। जैसे आप हिट इंटर करेंगे अब यहाँ पे देखिए सेंडिंग रिकवरी, राइटिंग रिकवरी, फिनिश टोटल टाइम। जैसे आपका फिनिश्ड हो गया मतलब आपका डिवाइस में रिकवरी जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको डिवाइस को करना क्या है, जो रिकवरी मोड होता है उस पे जाना है। उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे जो वॉल्यूम बटन है इसे आपको प्रेस करना है, और पावर बटन कुछ देर तक इसे आपको होल्ड करके रखना जब तक कि ना रिकवरी मोड है वो आ ना जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो डिवाइस है रिकवरी मोड में आ गया, और इस केस में देखिएगा अगर आपने पासवर्ड वगैरह रखा है तो यहाँ पे डिक्रिप्ट वगैरह मांगेगा, तो यहाँ पे आपको अपना डिवाइस का जो स्क्रीन लॉक वाला पासवर्ड है उसे आप यूज कीजिए, परफेक्टली वर्क करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो स्क्रीन लॉक का पासवर्ड है वो हम दे देते हैं। अब देखिए हो गया। अब इस केस में आपको करना क्या है, जो भी चीज़ें आपने यहाँ पे किया था इन्हें आपको सिंपली क्लोज कर देना, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं। अब देखिए मैंने एक फाइल पहले ही बनाया हुआ है, अब यहाँ पे पहले मैंने बैकअप लिया था वो कुछ कुछ फाइल्स था। अब यहाँ पे एक फोल्डर और मैं बना देता हूँ यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से हमने फोल्डर बना दिया है। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, फोल्डर को ओपन कर लेना है। देखिए हमारा जो डिवाइस है Xiaomi Redmi Note 8 यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे हम टैप करेंगे जितना भी हमारा फाइल है वो सभी के सभी आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, सभी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जो इस तरह से आप अपने डिवाइस के जो डेटा वगैरह है बूट लूप में जाने के बाद भी आप इजीली बैकअप बना सकते हैं। उसके बाद जाके आप अपने डिवाइस को रीसेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और Xiaomi के डिवाइस में एक चीज़ ऐसा है कि आप अगर फर्स्ट टाइम रिकवरी को इंस्टॉल कर रहे हैं कस्टम रिकवरी को, तो वो होल्ड नहीं होता, वो उड़ जाता है, यानी कि आप
वापस से आपका नॉर्मल रिकवरी जो होता है वो आ जाएगा। और जैसे कि मैं बोल रहा था कि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो वो मैं इस पर लाने वाला था, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये वीडियो आएगा क्योंकि और ये वीडियो मैंने रिकवर कर लिया है और इसका वीडियो आपको नेक्स्ट में मिल जाएगा। तो यही था एक छोटा सा वीडियो कि अगर आपका डिवाइस कुछ इस तरह से बूट लूप में भी चला जाए तो भी आप बैकअप बना सकते हैं। आगे और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल को सेलेक्ट कर दीजिए। थैंक यू।